ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद अपडेट दे रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या हुआ और क्यों मैंने इतनी अच्छे से वीडियोज़ बनाना चाह रहा था, लेकिन लॉकडाउन की सिचुएशन स्टार्ट हो गई। लॉकडाउन की सिचुएशन स्टार्ट होने के बाद थोड़ा ऐसे मसले मसाइल इस तरह से पैदा हो गए। द मंथ ऑफ जून वॉज वेरी हार्ड टाइम। अभी इस टाइम पे जून का एंड चल रहा है। आई डोंट नो, मे बी ये आप वीडियो जुलाई के एंड में देख रहे हो। ये आप हुलिया देख सकते हैं मेरा, ठीक है। ये क्वारंटीन हुलिया है जो कि मजबूरी के तहत बना है। लास्ट टाइम आई थिंक आई डिड शेव छोटी ईद पे करवाया था, उसके बाद ना मौका मिला। तो ये जो हुलिया है, ये हुलिया ये देख रहे हैं, ये इस हुलिया को दुरुस्त करते हैं, ठीक है, और उसके बाद मिलते हैं। चलें जी, अब मैं ज़रा फिर होके आया। हाँ, अब ठीक है, आई थिंक ये सही लग रहा होगा। मोस्ट प्रॉबली मैं अपना जो है आगे का टाइम अज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो जो है आप ईद भी गुजर गई हो, बड़ी ईद, उसके बाद देख रहे हो, शायद उसके भी काफ़ी लेट बाद देख रहे हो। बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है कि आगे जो है मेरे कितने काम पेंडिंग पड़े हैं जो कि मुझे कंप्लीट करने हैं। ओके, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और सो घर में ही थे। हाँ, जो मुश्किलात जो सामने आई वो ये थी कि बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर से कुछ चीज़ नहीं आ सकती थी, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली इन्फेक्टेड थी। कोई भी घर का जो है फर्द, कोई भी मेंबर, फैमिली मेंबर घर से बाहर नहीं जा सकता था। द मेन रोल इसमें जो मेरे साथ एक निभाया है वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, माई एल्डर सिस्टर्स हस्बैंड। वो चीज़ें सही, बिकॉज ही लिव वो मेरे घर के पास रहते हैं, जो मंगवाना होता था उनसे मंगवा लेते थे। थैंक यू साकिब भाई फॉर दैट। अभी हम स्मिथ पे जाते हैं कि यार, जो कोरोना का डर है, जो कि कोविड का डर है, कि लोग इससे डर रहे हैं कि यार ये हमें हो जाएगा, हम पता नहीं जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंड ऑल दैट। पहली चीज़ कि घबराना नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ, बाकी घबराना नहीं है। यार मेरे डॉक्टर ने वी वर इन कॉन्टेक्ट विथ फोर डिफरेंट डॉक्टर्स, उनमें से दो ने तो कहा था भाई टीवी ना देखना, ठीक है। बहुत से आपको लोग आपको कहेंगे, बहुत से मैसेजेस चल रहे होंगे, बहुत कुछ चल रहा होगा कि भाई ये मेडिसिन ले लो, वो मेडिसिन ले लो, ये इक्विपमेंट घर में रख लो, वो इक्विपमेंट घर में रख लो। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स का नाम आ रहा है जो कि जिनका पहले शायद आपने किसी ने नाम सुना भी नहीं होगा, ठीक है, वो ले लो। और अब उसकी भी वैल्यू जो है, जो 1500 की चीज़ है, वो 6000 10000 में सेल हो रही है। बट द मेन की कि क्या आप लोगों को करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, अपने सिम्टम्स देखें कि किस तरह के सिम्टम्स हैं। आइदर देर आर माइल्ड सिम्टम्स और देर आर सीवियर सिम्टम्स। हाँ, अगर आपकी सांस में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपके लिए एक नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे सांस में प्रॉब्लम नहीं आई, बट कुछ सिम्टम्स ऐसे थे जो कि शिद्दत से गुजरे, लाइक गले का ख़राब होना, उसके बाद जो कि जॉइंट्स का पेन होता है। मुझे दो दिन ऐसा पेन रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने अपने आप को बिजी रखा, मैंने अपने ऑफिस से कोई ऑफ नहीं लिया, मैं हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सो आई डिड दैट। मैं अपने घर से ही बैठ के जो है काम कर रहा। हाँ, वो और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, यार ये मेडिसिन खा लो। मैं एक आपको सच्ची बात बताऊँ कि मेरा पूरा महीना, मैंने लाइफ में इतनी पैनाडोल नहीं खाई होगी जितनी अब खाई। कभी कभी दो खा के सो रहा हूँ मैं, कभी दिन में तीन दफ़ा दो पैनाडोल की गोलियां खा रहा हूँ। जब मुझे पेन ज्यादा थी तब मैं दो दो खा रहा था, अदरवाइज मैं एक एक पैनाडोल की गोली खा रहा था। पैनाडोल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मेडिसिन यूज किया है वो पैनाडोल, उसके अलावा और कोई मेडिसिन यूज। बहुत से लोग कहते हैं कि यार सना मक्की जो है
अब तो ब्रांडेड होके सेल हो रही है। सना मक्की का ज्यादा यूजेज आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक बहुत ही जहरीली कह लें, एक बहुत ही तेज कह लें, वो जड़ी बूटी है। हाँ ये है कि वीक में एक दफा उसका कहवा पी लें तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, रेगुलर नहीं। बहुत से लोगों के मुझे केस ये मुझे पता चले कि यार उनको ये पता चला, उन्होंने रेगुलर पीना शुरू कर दिया सना मक्की रोज ना, दिन में दो दफा या डेली। उससे क्या हुआ, उनको डायरिया हो गया। डायरिया से क्या हुआ, उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। ठीक है, डिहाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ा नुकसान दे सकता। मैंने सना मक्की पिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिया आई थिंक एक महीने में मैंने कोई टोटल दो दफा पिया। मैंने जितना मंगवा लिया हुआ था मैंने सिर्फ और सिर्फ बांटा है, वो अभी भी मेरे पास वो पड़ा हुआ है। मैंने जैसे कि आपको स्टेप्स बताए, हाँ कई लोग कहते हैं ऑक्सीमीटर अपने पास रखो, आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहो। मैं फिर कहूँ वो चीज़ तब खरीदें जब जो है आप लगे कि यार आप में सिम्टम्स जो हैं, आपके सिम्टम्स ज़्यादा एग्रेसिव हैं। मेरे सिम्टम्स ऐसे एग्रेसिव नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे सिम्टम ऐसे एग्रेसिव नहीं थे। बट मेरे घर में एक डिजिटल मीटर, मेरे घर में एक डिजिटल थर्मामीटर था जिससे मैं अपना टेम्परेचर नोट करता रहा, अपने फैमिली मेम्बर्स का टेम्परेचर नोट करता रहा। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी और तरह का थर्मामीटर लूँ। वो रिक्वायरमेंट है, वो अब की SOPs की रिक्वायरमेंट है। अपने आप को सेव रखें, अपने आप जितना हो सके क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, मास्क पहन कर रखें। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अपनी फैमिली के लिए और मैंने इंक्लूडिंग मी बहुत प्रिकॉशंस की, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की, बट इन द एंड वी गॉट इन्फेक्टेड। आप बहुत सारी प्रिकॉशंस कर लें तब भी आप इन्फेक्टेड हों, आपको समझ नहीं लगेगी आप कहाँ से इन्फेक्टेड। आप कुछ भी ना करें और तब भी आप इन्फेक्टेड ना हो, इट डजेंट मीन के यार आप कोई बड़ी बला है। ठीक है, इट डजेंट मीन दैट। सिर्फ अल्लाह है जिसने आपको सेव रखा हुआ। अल्लाह ने अगर हमें इन्फेक्टेड किया, वट डज मीन के यार हम इस चीज़ इस दौर से निकल जाएं, इस टाइम से निकल जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए। बट फिर भी हमारे सिम्टम्स जब ख़त्म हुए उसके बाद ऑलमोस्ट आफ्टर इवन के मोर देन 2 weeks हमने दो डिफरेंट जगहों से दोबारा से टेस्ट करवाया। ठीक है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली का दोनों डिफरेंट जो है टेस्ट सैंपल्स, एक नेजल था एक ओरल था। ठीक है, इन दोनों डिफरेंट टेस्ट सैंपल्स में और डिफरेंट जो है जगहों से टेस्ट करवाने में फ़ायदा ये हुआ कि हमें पता चल गया कि हम किस स्टेज पे हैं, किस स्टेज पे नहीं हैं। अभी हम सबके टेस्ट नेगेटिव आए और शुक्राने के नफल अदा किए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप अभी भी इन्फेक्टेड नहीं हैं, आप लोगों को शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए। अगर इन्फेक्टेड हैं और पास थ्रो कर गए हैं, यू डू दैट। मैंने बहुत से मेरी अपनी फैमिली में डेथ ड्यू टू कोविड, मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने अपने फैमिली में, बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स जो है उनको गवा दिया। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि कोई कोरोना शुरोना नहीं है, मैं उनको कहना चाहता हूँ यार प्लीज़ ऐसा मत करो। है आ रहा है सामने, इंशाल्लाह हम जल्दी इससे छुटकारा पा लेंगे, मगर तब तक के लिए एहतियात ज़रूरी है। अपने घर वालों के लिए, अपने लिए ना करें तो अपने घर वालों के लिए सोचें कि यार अगर मैं अपने लिए एहतियात कर लूँगा तो मेरे घर वाले मेरे से बचे रहेंगे। अगर मुझे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो मेरे घर वालों का क्या होगा बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ पहले सोच कर रखें। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से मे भी कुछ आप एहतियात करना शुरू कर दें। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जेब में सैनिटाइज़र रखने से एहतियात होती है, और भी बहुत सी चीज़ें जिनसे एहतियात आप की जा सकती है। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे एट होम, रशी एरिया से दूर रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, अपने हाथों को बाहर से आते ही अपने हाथों को धोएं, बाहर जब हों तो अपने हाथों को आँख नाक और मुँह में ना लगाएं, एहतियात करें, जब तक हाथ ना धोएं तब तक ना लगाएं। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कुछ पेंडिंग चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है वो बहुत जल्द मैं करूँगा। बहुत सी नई चीज़ें जो कि जिनके रिव्यूज़ और डिफरेंट चीज़ें रहती हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मैं वो शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।